guide and your trainer onwards you today once again with something new. So what's the topic for today? देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा. Today I have brought some words. मैं कुछ शब्द लेकर के आई हूँ और ये वो स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि जैसे ये सिंगुलर में यूज होते हैं वैसे उठ करके ये प्लूरल में भी चले जाते हैं. मीन्स आपने देखा होगा कि सिंगुलर से प्लूरल करते हैं जब हम वर्ड्स को तो जनरली उसमें कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे कि अगर हमने बोला बॉय तो वो हो जाता है बॉयज, अगर हमने बोला बेंच तो वो हो जाता है बेंचेस, और भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं. जैसे कि कई बार उनके वॉवल्स चेंज हो जाते हैं. हमने बोला टूथ, टी डबल ओ टी एच टूथ मीन्स एक दांत, तो उसका प्लूरल हो जाता है टीथ, टी डबल ए टी एच टीथ, ये उसका प्लूरल हो जाता है. कई बार उसके कुछ और रूल्स होते हैं कि हम एफ ई या ई एफ को हटा करके वी ई एस लगा देते हैं, और इसके लिए भी एक लेसन है जिसको आप जरूर वॉच कीजिएगा कि सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं. लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन पर्टिकुलर वर्ड्स की जो जैसे सिंगुलर में होते हैं वो प्लूरल में भी एज इट इज यूज होते हैं. उनका उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता, मीन्स उसमें एस या ई एस नहीं लगता या वी ई एस नहीं लगता या वॉवल ओ का ई नहीं हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ओके, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रहते हैं जैसे हैं. और नेक्स्ट थिंग, अगर हम उससे कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है, वो एक अलग शब्द हो जाता है. और इसके लिए भी एक लेसन मैंने डाला हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, जिसको मैंने द मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से डाला हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आप देखते हैं कि सिंगुलर में ये है और हम ऐसा सोचते हैं कि इसका प्लूरल ऐसा होगा और फिर हम उसको उस तरीके से अगर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उसको हम एस या ई एस लगा दे रहे हैं मतलब प्लूरल सोच के बना दे रहे हैं तो उस वर्ड का मतलब कुछ और हो जा रहा है, वो अपने आप में एक अलग वर्ड होता है. ठीक है, तो फिलहाल हम आज के वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. Then why to get late? Please come with me. तो देखिए सबसे पहला शब्द जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है dear, D-E-A-R, dear. आप सभी को पता है dear means क्या होता है? Dear means होता है हिरन. Dear means होता है हिरन, ठीक है. आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हिरन कौन सा जानवर है, उसको मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये जो डियर हिरन है ये जब प्लूरल में हम बोलते हैं तभी भी हम इसे डियर ही बोलेंगे, हम इसे डियर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है ना. आप इसे चाहे सिंगुलर की तरह यूज करें प्लूरल की तरह यूज करें, आप ऐसा भी कह सकते हैं मीन्स वी विल टेक टू एग्जांपल्स. मैं पहले सिंगुलर की तरह यूज कर रही हूँ. मैं ये बोलती हूँ कि आई वेंट टू बांधवगढ़ यस्टरडे एंड आई सॉ अ डियर. मैं बांधवगढ़ गई और मैंने क्या देखा, एक डियर देखा, ठीक है. इसे हम प्लूरल की तरह यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि एट द सेम मोमेंट आई सॉ दैट टू डियर केम एट द बैंक ऑफ द रिवर. मैंने उसी वक्त देखा, क्या देखा, कि दो डियर वहां आ गए, कहां पे, नदी के किनारे. मैंने यहाँ पे डियर्स नहीं बोला, ठीक है ना, वो रॉन्ग होगा. ओके, और नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज बाइसन. सबसे पहले देख लेते हैं बाइसन का मतलब क्या होता है. बाइसन का मतलब होता है जंगली भैंस. ओके, जो जंगली भैंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसन बोलते हैं. बिल्कुल सेम वही बात, चाहे एक भैंस हो जंगली भैंस तभी भी हम बाइसन बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा हो तभी भी हम बाइसन ही बोलेंगे. ओके, सो वी कैन से दैट बाइसन used to walk in group or walk in herd always. Okay, next example हम ले सकते हैं कि bison are vegetarian. Bison are vegetarian in nature. मैंने ये नहीं बोला, हालांकि ये तो दूसरी बात होगी, हम पूरे species के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि two or three bisons were roaming in the ground and as we know that they are vegetarian in nature so therefore they are harmless. Okay, वो ग्राउंड में रोम कर रहे थे और हमें पता है जैसा कि वो वेजिटेरियन इन नेचर होते हैं तो bisons नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, bison. Two or three bison were roaming in the field and I know by their nature they are vegetarian so they are harmless. Okay, next is मैंने लिखा है यहाँ पे फिश. फिश मीन्स आप सभी को पता है क्या होता है, मछली. अगर एक मछली है हम तब भी फिश बोलेंगे,
और एक से ज्यादा मछलियां हैं, हम तभी भी इसको फिश बोलेंगे। लेकिन एक छोटी सी ध्यान रखने वाली बात, मैंने इसमें एक स्टार लगाया है, मतलब कई बार फिश जो है आप पढ़ेंगे कहीं कहीं पे फिशेस भी आप पढ़ते हैं, फिर आप बोलोगे कि मैं तो आपको बता रही हूँ कि फिश एग्जैक्टली फिश ही रहता है, हम उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करें प्लूरल फॉर्म में यूज करें, पर फिशेस भी तो पढ़ा है हमने कई बार, तो ये तो गलत हो गया। बट नहीं, इसमें कुछ टेक्निकल बात है जो आपको ध्यान में रखना है। फिश अगर एक ही वैरायटी के फिश किसी पॉन्ड में है, या हम फिश मॉन्गर के पास गए और हमने देखा कि सिर्फ रोहू फिश उसने रखा हुआ है और एक ही वैरायटी की फिश है, तो एक ही वैरायटी के फिश के लिए जो टर्म हम यूज करेंगे, जो वर्ड हम यूज करेंगे, वो हम बोलेंगे फिश। ओके, द फिश मॉन्गर वाज सेलिंग द फिश, या प्लीज गिव मी ऑल दीज फिश टू टेक टू माई, आई विल टेक इट टू माई होम, ये सारे फिश मुझे दे दो, मुझे घर लेकर के जाना है। लेकिन अगर मान लीजिए वैरायटी ऑफ फिश है उसमें, मीन्स उसमें कैटला कैटला भी है, रोहू भी है, और भी कुछ और जो वैरायटी ऑफ फिशेस होती हैं, मतलब वैरायटी ऑफ फिश होती हैं वो सारी हैं, तो उस केस में आप फिशेस बोलोगे। फॉर एग्जांपल, एक पॉन्ड में आपको तो नहीं पता कितनी वैरायटी ऑफ उसमें फिश हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, लेक या सी या ओशन में, उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि द फिशेस आर स्विमिंग इन द रिवर, जो फिशेस हैं वो क्या कर रही हैं रिवर में स्विम कर रही हैं, किसी भी वाटर बॉडी में स्विम कर रही हैं, उसके लिए हम फिशेस यूज कर सकते हैं। बट फॉर अ सिंगल वैरायटी ऑफ फिश आप क्या बोलेंगे, फिश ही बोलेंगे, चाहे सिंगुलर में यूज करें आप या उसे आप प्लूरल में यूज करें। अगला वर्ड है हमारा हेयर, ओके, और हेयर मींस आपको पता है क्या होता है, हेयर मींस होता है बाल, ठीक है, और बाल ये भी बताने की जरूरत है क्या, बाल, माई हेयर, ओके, और आप हम सभी की जो ब्यूटी होती है वो इनहेंस हो जाती है हमारे हेयर से, ओके। तो अगर आप ये बोलना चाहते हैं, और यहाँ भी मैं एक स्टार लगा रही हूँ, इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज इसमें भी कुछ ऐसी बात है जो समझने वाली बात है। हेयर तो ठीक है, हेयर का प्लूरल हेयर ही होगा, अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने बाल को, हिंदी में तो मैं बाल बालों बोल सकती हूँ, मैं अपने बालों को वॉश करने के लिए जा रही हूँ, या मैं अपने बाल को वॉश करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर, आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर, मतलब इतने सारे बाल हैं, अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं हेयर्स नहीं बोलूँगी, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी के सिर में काउंटिंग करके तीन बाल, थ्री हेयर जो हैं वो किस कलर के हो गए हैं, वो ग्रे हो गए हैं। इससे पहले के भी किसी चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि अगर बाल सफेद हो गए हैं तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि द हेयर हैज टर्न इन टू वाइट या शी हैज गॉट वाइट हेयर, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अ लेडी विथ ग्रे हेयर या शी हैज गॉट ग्रे हेयर, मतलब ग्रे, सफेद हो गए हिंदी में हम बोलते हैं, बट इंग्लिश में हम उसे ग्रे हेयर बोलते हैं, ग्रे बियर्डेड मैन, मतलब जिसकी दाढ़ी सफेद है, ग्रे बियर्डेड, ओके। तो यहाँ पे हमने किसी के हेयर देखे सिर में और देखा कि गिनती के उसके तीन ग्रे बाल हैं, इस कंडीशन में आप काउंट कर सकते हो, ऐसे तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे आप उसे काउंट कर पा रहे हो कि तीन बाल, मतलब एक से ज्यादा है, तीन कहें या पांच कहें, लेकिन हम उसे गिन पा रहे हैं, इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, हेयर्स, हम ऐसे बोलेंगे शी हैज गॉट फाइव ग्रे हेयर्स इन हर स्कैल्प, उसके स्कैल्प में क्या है, फाइव ग्रे हेयर हेयर्स, अब हम यहाँ हेयर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम हेयर्स बोल सकते हैं, और बोल सकते नहीं, बोलना ही है, लेकिन जब हम पूरे कलेक्टिवली पूरे बाल की बात करते हैं एक साथ, तब हम हेयर्स का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, हेयर, याद रहेगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट इज बैगेज, बैगेज का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है, आपने कई बार ऐसा सेंटेंस सुना होगा, टेक योर बैग एंड बैगेज and get rid of here, okay, या go away from here, bag, अपना bag और baggage लो और चले जाओ यहाँ से, ठीक है ना, baggage का मतलब सामान,
मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कोई एक ऐसी चीज जिसमें आपने बहुत सारा अपना सामान रखा हुआ है, ओके आपका पूरा सामान है इसमें, तो बैगेज वो ऑटोमेटिक वो एक ऐसी चीज है जिसमें कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसका प्लूरल क्या हो सकता है? बैगेजेस अगर हम बोलते हैं तो दैट इज रॉन्ग। बैगेज जो है वो अपने आप में ही एक कहें एक तरीके से तो सिंगुलर फॉर्म में भी हम बैगेज ही बोलेंगे और हम उसे प्लूरल फॉर्म में भी बैगेज ही बोलेंगे। ओके ही केम टू माई टाउन टूडे विथ हिज बैगेज, ओके और ही हैज गॉट नंबर ऑफ बैगेज विथ हिम, ही इज गोइंग फॉर अ फॉरेन टूर, वो एक फॉरेन टूर के लिए जा रहा है और उसके पास क्या है नंबर ऑफ बैगेज है। हम बैगेजेस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज रॉन्ग। ओके माई नेक्स्ट वर्ड इज एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? विमान। आप एरोप्लेन बोलते हैं उसका ही एक तरीके से दूसरा वर्ड क्या है हमारा? एयरक्राफ्ट है। आप जब एक एयरक्राफ्ट की बात करते, एयरक्राफ्ट वर्ड की हम बात कर रहे हैं, जब हम एक के फॉर्म में यूज करेंगे तभी हम एयरक्राफ्ट बोलेंगे और जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तभी भी हम एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे। हम ये कह सकते हैं आई सॉ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट मूविंग टुवर्ड्स आर लैंड। मैंने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट देखे हमारे लैंड की तरफ मूव करते हुए, लेकिन मैंने यहाँ एयरक्राफ्ट नहीं बोला, जबकि मैंने नंबर ऑफ मतलब कि एक से ज्यादा होंगे तभी तो मैंने बोला नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर में सब जानते हैं क्या होता है? फर्नीचर मीन्स इसे हम हिंदी में कहें तो जो हमारे घर में रखा हुआ हमारा सामान होता है, जो जैसे हम बोलते हैं हमारा सोफा सेट है, हमारा बेड है, टेबल है, चेयर है, इन सारी चीज़ों को मिला करके होता है फर्नीचर, ठीक है। हम ये गलती हमने कई बार देखा है, बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है, मैंने बोलते हुए देखा है कि द फर्नीचर्स आर रियली गुड, ओके आई एम गोइंग टू हैव अ गुड मार्ट ऑफ फर्नीचर इन माई हाउस, फर्नीचर्स इन माई हाउस, ऐसा बोलते हुए सुना है मैंने, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कह रहे फर्नीचर्स हैं इतने सारे, इनको हम कहाँ मूव करें, हमें दूसरे रूम में या घर में शिफ्ट होना है, इतना सारा फर्नीचर्स है मेरे साथ में, नो इट्स रॉन्ग। अगर फर्नीचर इज ऑलवेज एक तरीके से बोले तो ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, तब हम उसे फर्नीचर कहते हैं, तो ये सिंगुलर फॉर्म में भी फर्नीचर ही बोला जाएगा और ये प्लूरल फॉर्म में भी फर्नीचर ही बोला जाएगा। ओके ये भी एक तरीके से सामान ही होता है हमारे घर का, ठीक है, जो घर में हम हमारे सामान होता है बैठने का, उठने का, सोने का, ये सारा कुछ, ठीक है ना, उसे हम कलेक्टिवली मिला करके क्या बोलते हैं? फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा अगला वर्ड है इन्फॉर्मेशन। आई एन एफ ओ आर एम एच एन, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जानकारी। जानकारी कई बार आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी हमने देखा है, और अगर एक जानकारी है तो हम बोल देते हैं उसको अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब एक जानकारी है, ज्यादा जानकारी है तो इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन यूज करना अब कई सेंस में रॉन्ग माना जाता है। आप उसे सिंगल वे में आप अगर बात करना चाहते हैं कि एक जानकारी के लिए तभी भी आपको इन्फॉर्मेशन यूज करना है, और बहुत सारी जानकारियां तभी भी आप इन्फॉर्मेशन ही यूज करें, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होता है। ओके जैसे कि अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज ये जानकारी मिली कि तुम बीमार हो, सपोज मुझे जानकारी मिली कि एक्स वाई जेड बीमार है एंड आई एम मेकिंग अ कॉल टू हिम और हर, तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन टुडे ओनली दैट यू आर इल, मुझे आज ही पता चला कि क्या है तुम बीमार हो, ओके। और दूसरी तरफ मैं अगर ये कहना चाहती हूँ कि ये जानकारियाँ किसी से शेयर मत करना, तो जानकारियाँ आ गया, तो ऐसा नहीं कि हम इसको इन्फॉर्मेशन बोल देंगे, हम इसे यही बोलेंगे कि प्लीज डोंट शेयर दीज इंफॉर्मेशन विद अदर्स। दीज बोला लेकिन उसके साथ मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं लगाया, मैंने इन्फॉर्मेशन ही रखा, डोंट शेयर दीज इंफॉर्मेशन विद अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूजिक। म्यूजिक मीन्स क्या होता है? संगीत। कौन नहीं जानता इसके बारे में? संगीत। हम हमेशा कहते हैं ना म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ माइंड। म्यूजिक जो होता है वो हमारे दिमाग का क्या है?
मेडिसिन है, दवाई है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस फील कर रहे हैं, मोनोटोनस मतलब क्या होता है, बोर फील कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा उदास हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं, हर मूड के लिए एक म्यूज़िक बनाया गया है, एक संगीत है और हमें वो अच्छा लगता है सुनना अकॉर्डिंग टू आर मूड, और हमारा माइंड और रिफ्रेश हो जाता है। तो म्यूज़िक एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिवली म्यूज़िक कहा जाता है, किसी एक चीज़ को नहीं म्यूज़िक कहा जाता, उसमें बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है और उसे हम म्यूज़िक कहते हैं, तो ऑलरेडी एक तरीके से कलेक्शन है। उसे आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करो तभी भी आप म्यूज़िक बोलोगे, और उसे आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ करो तभी भी आप म्यूज़िक बोलोगे। और हम बोल सकते हैं कि म्यूज़िक रिफ्रेशेस अस, म्यूज़िक यूज़ टू रिक्रिएट अस, म्यूज़िक इज़ द मेडिसिन ऑफ आवर माइंड, और म्यूज़िक गिव अस अ लॉट्स ऑफ प्लेजर। ओके, नेक्स्ट इज शीप। अगला वर्ड है हमारा शीप। शीप मीन्स क्या होता है? शीप मीन्स होता है भेड़। ओके, दिस इज ऑल्सो एन एनिमल जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, भेड़ मीन्स क्या होता है। तो हम इसे अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तभी भी हम उसे शीप ही बोलेंगे, और अगर हम उसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें तभी भी शीप बोलेंगे। हम बोल सकते हैं कि माय नेबर हैज़ रेयर्ड अ डोमेस्टिकेटेड या रेयर्ड अ शीप। उसने, मेरे पड़ोसी ने एक भेड़ को क्या किया है, डोमेस्टिकेट किया है, तब मैंने शीप यूज़ किया। और अगर मैं बोलती हूँ कि आई वेंट टू हिमाचल एंड आई वॉच्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप, मैंने वहाँ पे फ्लॉक FLOCK क्या होता है, या अ हर्ड ऑफ शीप भी कह सकते हैं, मैंने क्या किया वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देखा कि मैंने ऑफ मतलब यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना चाहिए था, एक से ज़्यादा है तो मैं शीप्स बोल सकती थी, लेकिन मैंने शीप ही यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ड है स्वाइन, SWINE, स्वाइन। स्वाइन मीन्स क्या होता है? स्वाइन मीन्स पिग, तो आप जानते ही होंगे PIG पिग, पिग मीन्स सुअर, तो स्वाइन मीन्स भी क्या होता है? सुअर। एक्चुअली पिग कहें हम या स्वाइन कहें या BOAR बोर कहें, ये सब सुअर की प्रजातियां हैं, कुछ बहुत बड़े साइज के, कुछ छोटे साइज के, ठीक है ना, ये सारे पिग्स होते हैं। ओके, और ये सारे हम सिर्फ सुअर की प्रजाति के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्वाइन की हम बात कर रहे हैं तब भी हम स्वाइन ही बोलेंगे, और एक से ज़्यादा तभी भी हम स्वाइन ही बोलेंगे। और एग्जांपल्स इससे पहले हमने बहुत सारे देख लिए हैं कि सिंगुलर फॉर्म में भी हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार यूज़ करके बताती हूँ आपको। स्वाइन यूज टू फीड themselves ऑन द रबिश। जो स्वाइन होते हैं वो रबिश मतलब जो सड़ी गली और ख़राब चीज़ें होती हैं उस पर वो अपने आप को क्या करते हैं, फीड करके जिंदा रखते हैं, फीड themselves। ओके, और अगर इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें तभी भी हम यही बोलेंगे फिर से कि the number of swine are approaching towards our home and the children have dragged away from here। तो बच्चे हैं यहाँ से भाग गए, कहीं और चले गए, because number of swine are approaching towards our home, हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। नॉलेज जरा सा हो या नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, इसकी कोई गिनती तो होती नहीं है, ये भी एक अनकम्फर्टेबल नाउन है, तो इसके लिए आप नॉलेजेस यूज़ नहीं करेंगे, आप नॉलेज ही रहने देंगे इसको, ठीक है ना। आप इसको चाहे ऐसे कहें कि आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट दिस मैटर, मुझे इस मैटर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है या थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा सा ज्ञान है, तभी भी आप नॉलेज ही बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, हम बोलना चाहते हैं मिस्टर अमित इज फुल ऑफ नॉलेज, उनके अंदर ज्ञान का भंडार है, ठीक है ना, तभी भी हम यही बोलेंगे कि ही इज फुल ऑफ नॉलेज, ना कि नॉलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज मूव्स। अगला वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे मूव्स। आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, बहुत सारे लोग चूहे को भी मूव्स बोलते हैं, लेकिन ये वो मूव्स नहीं है। मूव्स का मतलब ये भी एक हिरन का प्रकार होता है, अ टाइप ऑफ डियर, ठीक है।
वो कुछ बारह सिंगा से मिलता जुलता होता है। ये एक हिरन का प्रकार है जिसको हम मूस कहते हैं, और अगर वो एक है तब भी हम मूस बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तभी भी हम मूस बोलेंगे। वी कैन से द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज कॉल्ड फोर मूस टुडे एंड हैव टेकन इट टू द फॉरेस्ट। ठीक है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहीं और से फोर मूस कैच किया होगा और उनको कहाँ वापस लेकर के गए हैं, वो फॉरेस्ट लेकर के गए। यहाँ पे मैंने प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, लेकिन मैंने मूस ही यूज किया, और सिंगुलर के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि आई सॉ द पिक्चर ऑफ, आई सॉ वन मूस इन, या आई सॉ अ मूस इन द पिक्चर टुडे। ओके, नेक्स्ट इज डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है? आप लूडो खेलते हैं, आप देखते हो कि एक आप डाइस लेते हो एंड यू टर्न इट, सिक्स आ रहा है, वन आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है ना, इसे हम पासा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसको कि महाभारत काल से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। शकुनी मामा ने खेला था ना डाइस के हेल्प से, और लूडो में आप डाइस यूज करते हो, और भी बहुत बहुत सारे गेम्स में डाइस का यूज होता है। अगर हम एंशियंट इंग्लिश देखें, पुरानी इंग्लिश देखें, तो उसमें ये जो डाइस वर्ड है डी आई ई डाई और डी आई सी ई डाइस, जब सिंगुलर होता था तो उसे डाई कहा जाता था एक पाशा, और जब एक से ज्यादा होता था तो उसे डाइस कहा जाता था। लेकिन अब इस डाई वर्ड का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, अब है तो सिर्फ डाइस। मतलब अगर सिंगुलर है तभी भी आप डाइस ही बोलोगे, और अगर प्लूरल है तब भी आप डाइस ही बोलेंगे, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है पासा। और आप बोल सकते हैं वी यूज टू प्ले विद द डाइस, ओके, व्हेन वी प्ले लूडो, या फिर आई सॉ नंबर ऑफ डाइस स्टैक, आई सॉ नंबर ऑफ डाइस ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे, जमीन पे गिरे हुए बहुत सारे डाइस थे, लेकिन आप उसके लिए डाइस नहीं यूज करेंगे, डाइसेस या कुछ और वर्ड यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड एक मछली का प्रकार भी है, और जो फली है उसको भी कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। फली कैसे, जैसे क्लस्टर बीन्स होते हैं हमारी, उसकी फली, या बीन्स की फली, या फ्रेंच बीन की फली, उसे भी हम कॉर्ड कहते हैं, या एक तरीके की फली होती है ये, और हम मछली, एक प्रकार की मछली है, उसे भी हम कॉर्ड बोलते हैं। तो दोनों ही सेंस में हम इनके प्लूरल फॉर्म में भी कॉर्ड ही यूज करेंगे, हम कॉर्ड्स जैसा कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू पुट कॉर्ड टुडे, ये दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स पे सूट होता है, या मैं कोई फली पकाने जा रही हूँ, या मछली को कुक करने जा रही हूँ, दोनों सेंस में मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू कुक कॉर्ड टुडे। अब वो एक तो होगा नहीं, मैं एक मछली तो पकाने जानी नहीं होंगी, या एक फली तो मैं कुक करने जानी नहीं होंगी, मैंने ये प्लूरल फॉर्म में ही बोला है, और ये दोनों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डजन। डजन मीन्स तो आप सभी जानते हैं, डजन को हम बोलते हैं हिंदी में दर्जन, ओके, और ये दर्जन शब्द हम कई बार यूज करते हैं। दर्जन 12 चीजों का कलेक्शन होता है, 12 थिंग्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डजन। हम इसे डजन्स बोले अगर तो रॉन्ग हो जाता है, लेकिन फिर भी एक समझने वाली बात है, तो मैं यहाँ फिर से स्टार लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो डजन वर्ड है वो कहीं कहीं पे डी ओ जेड ई एन एस डजन्स भी लिखा और पढ़ा जाता है, और वो रॉन्ग भी नहीं होता है, तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा इसका मतलब। ऐसे तो कॉमनली हम डजन को डजन्स नहीं बोलते हैं, बट कहीं पे डजन्स का भी यूज होता है, पर कहाँ होता है। देखिए, जब हम डेफिनेट न्यूमेरिक में यूज करते हैं, कोई नंबर जो कि डेफिनेट है, उसके साथ अगर हम डजन का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम डजन ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन डजन तो अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स है, 12 चीजों का कलेक्शन है, उसे हम डजन बोल रहे हैं। अगर मैंने बोला कि आई हैव ब्रॉट 5 डजन्स ऑफ बनाना टुडे, मैंने 5 डजन बनाना क्या किया है, मंगवाया है, आई हैव ब्रॉट, ओके, मंगाया है, तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, 5 के साथ में मैंने डजन बोला, आई हैव ब्रॉट 5 डजन ऑफ बनाना टुडे, ना कि डजन्स, या आई हैव बॉट, BOUGHT, बॉट, बॉट मतलब खरीदना, मैंने खरीदा है 5 डजन ऑफ बनाना, मैंने खरीदा है, ओके, तो ये करेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ 5 के साथ डजन लगाया। एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, माई डॉटर हैज बॉट
टू डजन ऑफ हेयर क्लिप्स, मेरी बेटी ने टू डजन मतलब दो दर्जन क्लिप्स क्या है खरीदे हैं, ठीक है, यही सही है। यहाँ पे मैंने फाइव या टू, इसकी जगह हम टेन या ट्वेल्व भी लगाएंगे, और अगर डजन लगा हुआ है तो वो हमारा स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे नंबर इनडेफिनेट होता है मतलब अनकाउंटेबल होता है, वहाँ पे आप क्या यूज करते हो, डजन्स, ठीक है ना। जहाँ पे नंबर डेफिनेट है वहाँ डजन, और जहाँ पे नंबर अनकाउंटेबल है वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, डजन्स। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं कि डजन्स ऑफ पीपल आर गेटिंग सिक ड्यू टू कोरोना, ठीक है, डजन्स ऑफ पीपल, यहाँ पे नहीं है गिनती कितने दर्जन लोग क्या हो रहे हैं, सिक हो रहे हैं कोरोना की वजह से, या आर डाइंग ऑफ कोरोना, कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डजन्स ऑफ, गॉट इट, सो सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑफस्प्रिंग। ओके, ऑफस्प्रिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, संतान। ये हम दोनों ही सेंस में यूज कर सकते हैं, चाहे किसी ह्यूमन बींग के ऑफस्प्रिंग्स हो या किसी जानवर के, ठीक है, हम ऑफस्प्रिंग ही यूज करते हैं। जो हमारी आगे की जो पीढ़ी होती है, जो हमारी संतानें होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और इसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करें या प्लूरल फॉर्म में यूज करें, हम इसके लिए ऑफस्प्रिंग ही यूज करेंगे, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं द ऑफस्प्रिंग ऑफ एनी स्पीसीज, द ऑफस्प्रिंग ऑफ एनी स्पीसीज आर सिमिलर टू देम, किसी भी स्पीसीज का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो उन्हीं से मिलता जुलता होता है, उसी स्पीसीज से मिलता जुलता होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जन साधारण, जो आम लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पब्लिक बोला जाता है। और ये किसी एक इंसान को नहीं बोला जाता है, ये तो वैसे भी लोग, लोग से हमें मतलब समझ में आता है कि ये कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, लोगों का समूह होता है, तो हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करें तभी भी हम पब्लिक बोलेंगे, और हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तभी भी हम पब्लिक ही बोलेंगे। हम बोलते हैं ना कि इंडिया, इन इंडिया द गवर्नमेंट इज मेड ऑफ द पीपल, पीपल की जगह पब्लिक कर दे अगर हम, तो कि द गवर्नमेंट इज मेड फॉर द पब्लिक, ठीक है ना। हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पे जो सरकार बनती है वो किसके लिए बनती है, पब्लिक के लिए बनती है। ओके, दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक को गुस्सा मत करो, डोंट अनॉय द पब्लिक, ओके, बाय योर कंडक्ट, तुम अपनी हरकतों से पब्लिक को क्या मत करो, गुस्सा मत करो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, ठीक है, एडवाइस मीन्स सलाह। अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर को देखा होगा जिसमें एक मैंने टॉपिक डाला था द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, उसमें मैंने इसे कवर किया था, ठीक है, और एडवाइस मीन्स मैंने आपको बताया था सलाह होता है, और अगर हम इसे एडवाइजेस कर देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मैं नहीं बताऊंगी, वो आप वीडियो देखिए और सीखिए कि जब हम उसे एडवाइजेस कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस में सलाह होता है, और जब हम किसी को एक सलाह दें तभी भी एडवाइस, और एक से ज़्यादा तभी भी एडवाइस ही बोलेंगे। अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये बोलना चाहती हूँ मुझे सलाह मत दो, डोंट एडवाइस मी, ठीक है ना, मुझे सलाह मत दो, मैंने उसे कई सलाह दिए, आई गेव हिम नंबर ऑफ एडवाइस, ठीक है ना, मैंने उसे कई सलाह दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये थोड़ा सा लंबा मीनिंग है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, काम करने वाले लोग, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जगह पे काम करने वाले लोग, चाहे कोई स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्कूल हो, कोई व्हाट आई कैन से, कोई हॉस्पिटल है उसमें काम करने वाले लोग हैं, किसी स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, या कहीं और पे काम करने वाले लोग हैं, एक ग्रुप में काम करने वाले, एक ही जगह पे एक समूह जो लोगों का होता है उसे हम स्टाफ कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसे सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे तभी भी स्टाफ बोलेंगे, और इसे अगर हम प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तभी भी स्टाफ बोलेंगे, वो स्टाफ्स ही हो जाएगा। मैं बोलती हूँ
कि टुडे व्हाटएवर आई एम टुडे इज ड्यू टू माय स्टाफ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो किसकी वजह से हूँ, मेरे स्टाफ की वजह से हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हैंड तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा एक टीम वर्क है और वो जो टीम वर्क है वो किसकी वजह से, वो मेरे स्टाफ की वजह से है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम ऐसा बोलते हैं, कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि द स्टाफ वॉज नॉट प्रेजेंट इन हॉस्पिटल टूडे, हॉस्पिटल में आज स्टाफ प्रेजेंट नहीं था। ओके, सो दिस वॉज होल फॉर टूडे। वी हैव कवर्ड 20 वर्ड्स टुडे, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन अगर इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो डेफिनेटली हम मिस्टेक कर लेंगे और हम गलती से गलती कर लेंगे। मीन्स हम इन वर्ड्स को जनरली क्या होता है, प्लूरल बनाने में मैंने देखा है कि लोग ये करते हैं, ऐसे एस लगा दो, बस अभी हम एक समझ रहे थे और वो अब एक से ज़्यादा हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। ये कुछ फिक्स वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में भी वही रहेंगे, प्लूरल में भी वही रहेंगे, अगर हम उसके साथ खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो बेटर ये है कि इन सारे वर्ड्स को हम अपने दिमाग में बिठा करके रखें, इनको याद रखें कि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम दोनों ही तरीके से यूज करेंगे तो उन वर्ड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो जैसे के तैसे ही रहेंगे। तो आज का चैप्टर कैसा लगा, था ना इन्फॉर्मेटिव? बिल्कुल, आप मुझे ज़रूर बोलेंगे कि यस मैम, रियली इट वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड इट वॉज ऑफ आर यूज, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल था। ये कॉमन पर्सन्स के लिए जो सिंपली इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कभी भी यूजलेस नहीं हो सकती, वो तो यूजफुल होती ही है, ठीक है ना। तो आप सबको याद रखना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया है। तो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और कुछ नई बात, कोई नई जानकारी, कोई न्यू सजेशन तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इस चैनल का, सॉरी, इस वीडियो, जो भी न्यू वीडियो आ रही है इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप वीडियोस देखें। सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई एम कमिंग वंस अगेन विद समथिंग न्यू, इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।